हेलो गाइस, पिछली वीडियो में टेक किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो हम आगे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ये पार्ट सेकंड बना के। आई होप थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट अभी यू विल मैनेज। ठीक है, हम उसमें लास्ट में हमने किया था फोर्थ पॉइंट लाइबिलिटी क्लोज। हम कर क्या रहे थे उसमें, कंटेंट्स मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर पिछली वीडियो में, और हमने उसके कंटेंट्स देखे थे कि क्या होते हैं। देन आज हम उसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम जहाँ पे हमारा स्किप हो गया था वीडियो, तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा लाइबिलिटी क्लोज। इसमें क्या होता है, हमने डिफाइंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लाइबिलिटी को देखना होता है लाइबिलिटी क्लोज में, कि किस मेंबर की कितनी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, इसमें दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये पॉइंट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा कर रही हूँ, आई होप क्लियर हो जाए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, अगर एक कंपनी है उसकी कुछ शेयर होल्डर्स हैं, तो जैसे एक शेयर होल्डर है उसके पास 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच है, तो उसने ना उसमें से 1000 शेयर्स थे 10 रुपीज़, ये देखो एग्जांपल 1000 शेयर्स से 10 रुपीज़ ईच था, तो जब उसने शेयर्स ख़रीदे ना, तब उसने उस शेयर्स के उसके 10,000 बंदे थे, उसमें से उसने 7,000 उसी समय दे दिए जब उसने शेयर्स ख़रीदे, तो उसके अब 3,000 अनपे रह गए। जो अनपे रह गए अब वही उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो शेयर्स का अमाउंट शेयर होल्डर का अनपे होता है वही उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। ये देखो लिख रखा है, मेंबर्स लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपे एंड ऑफ शेयर कैपिटल। जो उसकी एक्सटेंट मतलब अनपे रह जाती है शेयर कैपिटल, वही उसको पे करनी होती है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड में क्या होता है, जैसे एक बंदा है, अब यही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, इसने गारंटी दी कि ये सिर्फ 1000 शेयर्स के अमाउंट के लिए ही गारंटी देगा। इस 1000 इसने गारंटी ही इतने की दी, ठीक है, इसमें से इतने 700 का अमाउंट दे दिया हुआ था। अब इसकी गारंटी का कितना अमाउंट बाकी बचा, अनपे कितना रह गया इसकी गारंटी में से, 300, तो ये अब 300 पे करेगा। यहाँ एक होता है, एक अगर दूसरी एग्जांपल ले ले, इसमें एक बंदे ने पहले से ही जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने एक गारंटी दे दी कि मैं मैक्सिमम इतने अमाउंट तक ही पे करूँगा, तो वो बंदा उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट के लिए लायबल नहीं होगा। जितना अमाउंट उसने बोला है वो ओनली उतने के लिए लायबल होगा। लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ गारंटी गिव बाय ईच मेंबर। जो मेंबर अपने अकॉर्डिंगली गारंटी देगा वो उतने के लिए ही लायबल होगा। ठीक है, चाहे कंपनी डूबे मरे जिसके जहाँ मर्जी जाए, पर जिस बंदे ने जितने की गारंटी दी है वो उतने के लिए ही लायबल है। कंपनी उसको फोर्स नहीं कर सकती कि हमारा लॉस हो रहा है तो आप हमें ज़्यादा पैसे दो। ठीक है, देन इसमें अल्ट्रेशन, अगर इसमें हमें कोई चेंजेस करने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पासिंग अनएनिमस रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। मतलब इसमें हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर्स की मीटिंग करके, मेंबर्स की मीटिंग करवाएंगे और उसमें चेंजेस करने के लिए, क्योंकि ये मेंबर से रिलेटेड है ना, गारंटीड बाय शेयर गारंटी भी और शेयर्स भी, तो इसमें मेंबर्स की मीटिंग बिठाएंगे और उससे पूछेंगे ये चेंजेस कर सकते हैं, अगर वो रजामंदी देते हैं तो कर दो चेंजेस। ठीक है, द नेक्स्ट कैपिटल क्लोज, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल क्लोज से हमें नाम से पता चल रहा है कैपिटल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक अमाउंट जो शेयर कैपिटल का होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच अ कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जिस अमाउंट में जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जब कंपनी की स्टार्ट हुई थी जब कंपनी, तब कंपनी का अमाउंट शेयर कैपिटल का कितना था। स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड, जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, कंपनी कैन इशू नंबर ऑफ शेयर्स विच आर ऑथराइज्ड बाय इट MOA। कंपनी ना एक MOA कंपनी का होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि उसने कितने शेयर्स करने हैं। तो यार अगर तो हम मेमोरेंडम की तरफ से देखें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ से, तो जितने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने शेयर्स लिखे हैं वो उससे ज़्यादा शेयर्स ऑथराइज नहीं करेगी किसी भी पर्सन को, किसी को भी टोटल पर्सन को उससे ज़्यादा शेयर्स ऑथराइज नहीं कर सकती वो।
और अगर कंपनी की तरफ से देखें तो कंपनी ने अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स भी इशू करने होते हैं कि वो इन फ्यूचर इससे ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं करेगी किसी को. कंपनी कैन इशू नंबर ऑफ शेयर्स विच आर ऑथराइज बाय इट MOA. जितने शेयर्स उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो एक बार बोल देगी कि हाँ मैं इतने ही करूँगी, इससे एक्सटेंड नहीं करूँगी, तो उसके बाद इन फ्यूचर जब तक मेमोरेंडम में चेंजेस नहीं आते वो उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है. और अगर इसमें हमें चेंजेस करने हैं, इन फ्यूचर हमें ज़्यादा शेयर्स अलॉट करने पड़ जाते हैं, फर्स्ट तो मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड प्लस अप्रूवल ऑफ लॉ बोर्ड. कानून की परमिशन भी लेनी पड़ेगी कि हम मतलब मोर शेयर्स अलॉटेड करना चाहते हैं, तो अगर वो लीगल लगेगा उनको तो वो आपको अप्रूवल लेटर दे देंगे, वरना नहीं देंगे. ठीक है. देन लास्ट एंड लीस्ट एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लोज. एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या होता है इसको जस्ट एक बार रीड करना है और ये जैसा है इसको हमने वैसे ही लिखना है. कोशिश करिएगा कि वैसे ही हो. सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लोज में मेन होता क्या है, इसमें हमारे मेंबर्स वगैरह जितने भी पर्सन्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उनका मतलब सारा एड्रेस, नेम, सारा मतलब उन्होंने एक फॉर्म में ना फिल करके सारा MOA में बताना होता है. ठीक है. उसमें मतलब उनका बताया होता है इस पर्सन ने इतने शेयर्स लिए, इस पर्सन के बाद इतनी लाइबिलिटी है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक पार्ट होता है एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लोज. इसमें हमें मेंबर्स के बारे में बताना होता है, हमारे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, ठीक है, और जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको इसको साइन करना होता है. मतलब एक तरह से ना ये लेटर होता है. ठीक है. एक लेटर होता है जिसमें उन्होंने कंपनी का सब कुछ लिख दिया, कंपनी का सब कुछ, हर मेंबर का नेम, एड्रेस, हर मेंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, वो कितने शेयर से, सब कुछ हो गया. मस्ट बी इसमें सबको साइन करना कंपल्शन होता है कि जब तक फुल सब ट्रैक्टर साइन नहीं करते ये परमिट नहीं किया जाता. ठीक है. देखते हैं कि लिखा हुआ है. कंटेन डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स. जो डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन के लिए डायरेक्टर्स के द्वारा एक फॉर्म इशू किया जाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और सब लोगों को उस पर साइन करना होता है. दी सेवरल पर्सन्स हुज नेम एंड एड्रेस आर सबमिटेड, नेम और एड्रेस सबमिटेड होता है, आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी इन अकॉर्डेंस. उनको एक फॉर्म कंपनी की अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग उस फॉर्म में लिखा होता है विद MOA वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर्स. MOA में मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म बनाया जाता है जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है और मस्ट बी साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स. और इसको सब डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया जाना कंपल्शन है और इसमें अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें तो नहीं कर सकते. ये वन एक ऐसा इकलौता पॉइंट है जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कांट बी अल्टर्ड. आई होप टॉपिक क्लियर है. सी यू गाइस, हैव अ गुड डे.